अंबेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे लोकसभा 55 से जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन करने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। पूर्व सांसद पांडे ने भाजपा के ढेर सारे किए हुए विकास कार्यों को रखते हुए कहा कि मोदी जी की सरकार में आवास योजना, सड़क मार्ग, शौचालय, राशन कार्ड, गैस सिलेंडर व गरीबों की आर्थिक मदद, इतना सहयोग व विकास पिछली सरकार में नहीं हुआ जो योगी और मोदी जी की सरकार ने करके दिखा दिया। पूर्व सांसद रितेश पांडे ने कहा, हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भूखा नहीं सोएगा। वहीं कलेक्ट्रेट के कुछ ही चंद कदम की दूरी पर नामांकन जनसभा को संबोधित करने के लिए सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। कार्यक्रम का संचालन जिले के वरिष्ठ नेता व प्रत्याशी पूर्व सांसद रितेश पांडे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आए हुए भूखे प्यासी महिलाएं व पुरुषों को लंच का पैकेट गाड़ी से फेंक कर देते हुए नजारा सामने आया। कार्यक्रम स्थल पंडाल के नीचे कुछ कुर्सियां भी खाली दिखाई पड़ने लगी। इस चमकती धूप में महिलाएं बेसुध होकर घर वापस रवाना होने लगी। उपलब्धि किया, आप सब हमसे बेहतर जान रहे हैं। हम लोग इस बात को कहते हैं कि हम चले आज रण को भी लो, माता की लाज बचाने को कोई ताकत आज नहीं जग में, जो आए हमें मिटाने को। यदि हिंदू निवासी होने का गौरव कुछ भी तुम रखते हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।